I am you. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके जिसमें हम फटाफट नोवो पर उतरते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो जब भी आएगी उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम उतर गए नोवो पे, हमारे आसपास आप काफ़ी बंदे उतरे थे। तो एक को फटाफट यहाँ बताइए, UMP 9 में पता अजीब सा ग्लिच हो गया था कि अपने आप एक रिकॉइल ऊपर भागे जा रहा था। मैं नीचे कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, तब भी ऊपर ही भागे जा रहा था। मतलब पता नहीं क्या ग्लिच हो गया था, सब चीज़ तो गेम ही ग्लिच से भरा होगा। तो यहाँ मैंने 3 बंदे को डाउन कर दिया था, एक को तो पूरा किल कर दिया था। 2 बंदे डाउन थे, अब 2 बंदे डाउन में थे जिसमें मैंने अभी सबसे पहले डाउन करा था, उसको भी बंदा रिवाइव करता है, उसका टीममेट रिवाइव करने करता है। तो मेरे को आवाज़ तो आती है रिवाइव करने की, पैर मतलब रिवाइव करने की आवाज़ आती है, मतलब इधर उधर चलने की आवाज़ आती है। मैं ढूंढता हूँ उसको, कहाँ गया इधर से उधर करके, मेरे को फाइनली वो मिल जाता है। अभी यहीं पर ही मिलेगा कि फटाफट आवाज़ आती है, फटाफट उसको किल करते हैं। और क्या आते तुरते 3-4 खेल तो बड़े आराम से हो जाती है। फिर मतलब बहुत सही गेम प्ले आया मेरा। यहाँ पर हमारे एक बॉट महाराज जी हमारे को गोलियाँ फेल रहे थे, यहाँ पर गेम थोड़ा मतलब उससे गिर गया था, मैं कंटेनर के ऊपर चढ़ रहा था। यहाँ से बॉट महाराज को मारते हैं, थोड़ी सी एमओ वगैरह उनसे लूटी जाए, गन में लूटी जाए। फिर यहाँ एक और बॉट महाराज जी आ गए थे जो हमारा KD बढ़ाने में थोड़ी हेल्प कर रहे थे, मतलब काफ़ी KD बढ़वाए थे यार बॉट, सही मायने में तो बताऊँ तो। यहाँ सामने मेरे को 2 बंदे दिख गए थे जिसका मैंने 1 AM से विदाउट स्कोप भाई नॉक करा था, कसम से नॉक छोड़ो पूरा किल ही कर दिया था। एक बंदा और इसका अगर मैं किल कर देता, अगर वहाँ थोड़ी सी मेरे कुछ हो मतलब माल पानी सा होता, डंका था। यहाँ पर अभी मैंने उस बंदे ने जिसको मैंने भी किल करा उसके अपोनेंट ने मेरे को थोड़ा डैमेज दिया, तो मैंने हील लगाई। फिर हमारे पास एक बंदा, 2 बंदे थे, उनको में से एक को डाउन करा, इसने दूसरा रश करने आ रहा था, इसको भी किल कर देते हैं। तो इनकी थोड़ी बहुत टूट सी लूट वगैरह लेकर, फिर उसके बाद हमारे पास 1-2 यहाँ मेरे को फ्लेयर मिल गई थी, तो काफ़ी प्लस पॉइंट आए हैं गेम में। फ्लेयर मिलना भाई प्लस पॉइंट ही माना जाता है, अगर गेम में आपको फ्लेयर मिल जाना तो हमारा प्लस पॉइंट है बस उसे। यहाँ पर हमें एक और बंदा दिख गया था, यहाँ में उसे 1 AM पे 4x का थोड़ा स्प्रे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्प्रे दिया नहीं जाता, वो सिंगल बुलेट में मारता रहता हूँ। फिर यहाँ जो एक बॉट महाराज जी आ गया था जो हमारे टीम मेट को लग रहा था कि बॉट नहीं है बंदा है। तो गाइस, अगर पबजी में बॉट ना हो ना तो गेम में मज़ा नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर पबजी में बॉट ना हो तो अब क्या होगा गेम में, अगर पबजी में बॉट नहीं हुए तो आपको मतलब मज़ा आएगा नहीं आएगा, कैसा एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि अगर बॉट ना हो गेम में तो कैसा मज़ा आएगा। तो यहाँ जो हमारा बंदा था जिसको मैंने 1 AM से 1-1 टूट करके स्प्रे दिया था, उसको रश करने आते हैं, थोड़ा डैमेज मैंने अभी दिया, थोड़ा डैमेज अभी दोबारा दूँ, पूरा किल ही कर लूँगा तो मैं सीधा इसको। अभी आपने देखा होगा गाड़ी लेकर एक बंदा जी भाग रहे थे, उसको हमारे टीम मेट ने किल कर दिया, मतलब किल मेरे टीम मेट ने करा। तो यहाँ सब अच्छी खासी किल विल लेके लूटपाट लेके चलते हैं, मतलब नोवो से चलते हैं। हमें लगा था कि यहाँ ब्रिज कैंप हो रहा होगा क्योंकि सामने मेरे को गाड़ी फटी हुई दिखी, कि मैंने कहा भाई गाड़ी फटी हुई है रोक ले, ब्रिज कैंप हो रहा है। मैंने कहा भाई गाड़ी फटी हुई लग रही है रोक ले भाई, ब्रिज कैंप हो रहा है, बड़ा तगड़ा स्कैम है। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई तू चला, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो नॉर्मल 40 FPS तक आ जाता है, लेकिन मेरे जो टीममेट का फ़ोन है उसके में 30-20 FPS आता है, तो उसके में थोड़ा लैग होकर चलता है गेम। तो मैं इसलिए मोस्टली सबसे ज़्यादा खेल मेरे इसलिए होते हैं क्योंकि भाई उसके में बंदे के में लैग होकर चलता है, लेकिन फिर भी वो बढ़िया खेलता है। उसकी जो ग्रेनेड की स्ट्रैटेजीज है वो बहुत मेरे को पसंद आता है। एक्चुअली मेरा रियल ब्रदर ही है मेरा जो मेरे साथ खेलता है, उसकी ग्रेनेड की स्ट्रैटेजी बहुत सही है। तो यहाँ हम पहुँच गए थे इधर जो भी इसका नाम है फार्म के आसपास का एरिया। तो यहाँ एक बॉट जी आ गए थे, उनको किल करा हमने बॉट जी को। उसके बाद बॉट जी को किल करने के बाद हमें सामने मेरे को फ्लेयर दिख गई थी पूरी, किसी ने फ्लेयर गन फायर किया। अभी मेरे पे एक फ्लेयर गन बच रही है, मेरे को एक क्या मतलब फ्लेयर गन ही बच रही है मेरे पे अभी। तो सामने बॉट जी वहाँ दिख गए थे, किसी ने फ्लेयर गन फायर किया, चलते हैं उसकी तरफ फटाफट भाग कर चलते हैं जहाँ वो फ्लेयर गन फायर हुई थी वहाँ उनकी तरफ चलते हैं बड़ा गाड़ी लेकर। और यहाँ हमारा एक बंदा दिख गया था जो हमें बड़ा प्यारा बॉट की तरह स्प्रे दे रहे थे, मतलब बॉट की तरह दे रहा था स्प्रे भाई, एक एक बुलेट मारा था रो रो कर। तो यहाँ मेरे को काफ़ी देर तक लगता रहा कि ड्रॉप के पास बंदा होगा, ड्रॉप के पास बंदा होगा, लेकिन मैंने दिमाग ख़राब हो गया, मैंने भाई कब तक वेट करेंगे उस बंदे का, अगर होता तो मेरे को थोड़ा बहुत स्प्रे देता इसी, मतलब थोड़ी बहुत झलक सी दिखाता, थोड़ी बहुत अपनी झलक दिखाता, झलक दिखलाता वाला गाना, झलक दिखाता बंदा अपनी।
यहाँ ड्रॉप के पास क्रेट पड़ी गई थी, मेरे को दिख गई थी, मेरे को पहले लगता ही रहा कि यहाँ बंदा है क्योंकि गाड़ी खड़ी थी। मैं सोचता हूँ पहले मैं गाड़ी ही फाड़ूंगा क्योंकि साला गाड़ी के दर घुस के बैठा हो, लेकिन फिर मैंने देखा कि ड्रॉप के साइड में क्रेट पड़ी, तो मैं समझ गया साला मर गया, ये उसी ने मारा जिसको मैंने किल करा के मारे। वो यहाँ से फटाफट ओम वगैरह उठाते हैं, ग्रीन सूट मिल गया था, ओम वगैरह उठा के हम चलते हैं शेल्टर के पास। शेल्टर के पास ये बिल्डिंग्स हैं, तो यही हम साइड में बिल्कुल हमारे एयर ड्रॉप गिरी थी, और मैं यहाँ पर अभी फ्लेयर गन फायर कर देता हूँ। अगर भाई फ्लेयर गन तो फायर करो, बंदे आएंगे, किल में किल्स मिलेंगी, केडी बढ़ेगा। स्क्वाड में तो मेरा केडी ऐसे ही है यार, 3 के आसपास का कभी कभी, क्योंकि मेरा भाई भी खेलता है। यहाँ मैंने गलती से ग्रोजा पे सिक्सेस लगा रखा था, लेकिन वो मेरे को मैंने सिक्सेस मतलब सिक्सेस लगा भी लगा तो रखा था ठीक है, लेकिन जो आपको जो बंदा प्रो होगा उसे पता ही होगा कि यार अगर एक इतनी पास वो बंदा आके गाड़ी रुकी थी मेरी, तो यहाँ इतनी पास में सिक्सेस किसी काम का नहीं, किसी भी गन पे लगा लो लेकिन किसी काम का नहीं पड़े। यहाँ पर तो रेड डॉट होलोग्राफिक या 2x का इस्तेमाल करता है। यहाँ पता नहीं बंदा गाड़ी में बैठा होगा, शायद ऑफलाइन हो गया था, मैं उसको ओम से हेडशॉट देता हूँ। तो फटाफट यहाँ से हम उस बंदे को मार के निकल ही रहे थे जोन में भागने के लिए, क्योंकि जोन हम पे नहीं बना था, जोन हमारा साथ नहीं देता, जोन देता है हमारे एनिमीज का साथ, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जिसमें जोन साथ देता है हमारा। तो यहाँ दो बंदे अपना कैंप करके बैठे थे, अपना बाप का रात समझ रहे थे, उन्होंने देखी कितने स्टाइल से उन्होंने, मतलब यहाँ एक सबसे बढ़िया ग्लिच देखा मेरे को, यहाँ मैंने ग्रेनेड फेंका, आप देखो ग्रेनेड फेंका हुआ दिख भी नहीं रहा, पता नहीं अजीब रिएक्शन आ जाए, बम फटा भी नहीं लेकिन बंदा नॉकआउट हो गया भाई, मतलब दो बंदे दिखे थे मैं, हाँ मैंने मेरे को सुन में नहीं आया, मैंने ग्रेनेड से नॉकआउट करा उसे, वो साला कब में इतनी जल्दी छत पर, पहले उसे ढूंढा अच्छे से ढूंढा, भाई गया कहाँ बंदा, फुटप्रिंट सारे थे लेकिन बंदा मिल के नहीं रहा कि भाई बंदा गया कहाँ, ठीक है। फिर मैंने नीचे देखा, मैंने कहा यहाँ भी तो पक जाते ना साले इसके पीछे आके, फिर मेरे को लगा मैं कि छत पे ही होगा, मेरे टीममेट ने देखा नहीं ठीक से। फिर यहाँ लौंडे जी बैठे थे मजे में आराम से चाय पानी पी रहे थे, फिर उसके बाद इसका दूसरा बंदा मेरे टीममेट को नॉकआउट कर देता है, मैं कि भाई बदला है, बदला लेना अब तो बदला लेना है। फिर मैं यहाँ के टीपी भी ले रहा था खड़ा होके, इतने में आवाज़ आती है जी फर्स्ट ठोक रहे हैं, मैं कि भाई फर्स्ट ठोकने से पहले किल करते हैं वरना क्या पता मेरे को खा जाए बंदा, तो मैं इसको इसके टीममेट को तो पूरा खा गया था और इसको अब खा गया। फिर सामने से मैंने अपने टीममेट को रिवाइव करा, फिर ये गाड़ी फाड़ने के बाद यहाँ एक बंदा गिल सूट में है जी, अपने स्कोप का अपनी गन का प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी स्किल्स का प्रदर्शन कर रहे थे, तो मैं कि भाई उसे एक डैमेज तो दे देता थोड़े ज़्यादा, बार रश कर दो भाई। सिंपल एक सबसे बढ़िया ट्रिक बताऊँ कि अगर आप डीओ खेल लें तो उसके एक बंदे का नॉकआउट करो और बिना सोचे रश कर दो, मतलब थोड़ा दिमाग हाथ से रश करो, ट्रिक्स लगाओ रश करने में भी, मतलब अगर बंदा राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में पूरा घूम कर जाओ, बस इतना टाइम मत दो उसे, उस बंदे को अपोनेंट को सोचने का टाइम मत दो, अगर उसे सोचने किसी भी बंदे को सोचने का टाइम मत दो, मतलब काम को कर दो। अगर वो तुम किसी सामने वाले बंदे को सोचने का टाइम दोगे ना तो वो बंदा हरकत में आ जाएगा। अगर बंदे किसी तुम किसी बंदे को सामने किसी बंदे को सोचने का टाइम नहीं दे रहे कि भाई वो क्या एकदम कहाँ से आ गए तुम, अगर सामने बंदा कैम्प करके बैठा है ठीक है, अब तुम्हारा एक बंदा गया फटाफट से नॉकआउट करके आ गया, नॉकआउट किया मतलब खुद नॉकआउट हो गया, अब तुम अगर उसे सोचने का टाइम ना दो ना, वो सोचेगा कि यार मैं तुम अपने टीममेट को रिवाइव दे रहे हो, वो सोचेगा लेफ्ट से जाता हूँ क्या पता मैं उसे मार दूँ, अब तुमने उसे सोचने का टाइम दे दिया ना तुमने उसको कि वो तभी तो वो सोच रहा है कि लेफ्ट से जाके मार देता हूँ उसको, भाई इतना सोचने का टाइम मत दिया करो किसी को, सिंपल लॉजिक है, सीधा किसी को सोचने का टाइम मत दो, सीधा घुस जाओ। अब तुमने पहले तुम्हारे अपने टीममेट को भेजा तभी तुम्हारा टीम अकेला टीममेट गया था वो नॉकआउट होकर आ गया, फिर तुम उसे रिवाइव कर रहे हो, वो बंदा तुमसे राइट साइड में रश कर रहा है, उसने सोचने का टाइम मिल गया राइट साइड से रश करने के लिए, उसने सोचा कि राइट साइड से रश करूँगा शायद किल कर लूँ, और वो शायद किल कर भी पाएगा क्योंकि तुम तो भाई रिवाइव करने में बिजी होंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते, अगर तुम भाईचारा दिखाते, यूनिटी दिखाते, तो शायद तुम उस बंदे को किल कर सकते थे, क्योंकि तुम दोनों आपस में जाकर उसको किल करते, दोनों आपस में रश करते तब जाकर वो कहीं बंदा किल होता। और मेरे हिसाब से आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना चाहिए। ये आखिरी बंदा बच रहा था, इसको देखो कितना मज़े में खेल कर भाई, मज़े में लेटा है आराम से फैल कर मज़े में। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाओ टीममेट्स के साथ अपना, ताकि आप अच्छे से खेल पाओ। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को। तो गाइस मैं एक चीज़ और बात करना चाहता हूँ कि मैंने टूर्नामेंट रखना चाह रहा हूँ, जो जो इंटरेस्टेड हैं वो
मेरे को मैसेज करें इंस्टाग्राम पर, मैं इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, ये टूर्नामेंट बिल्कुल फ्री है, आप सब खेलेंगे, मैं आपको स्पेक्टेट करूंगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब। गुड बाय।